हो रही थी कि मैं मतलब अभी भी मेरे को वो चीजें मैं सोचती हूँ तो मुझे भी अभी भी रोना आता है। मतलब वो जो मेरे बहुत ही मतलब मुश्किल टाइम। सो हे गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। सो मैं फिर हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, अपने एक नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। मेरे यूट्यूब पे भी उसके लिए कमेंट आया, इंस्टा पे भी उसके लिए कमेंट आया। सो मैंने सोचा आप लोगों की जो डिमांड है उसी के हिसाब से अगर हम वीडियो बनाते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड इसी के साथ आपने थंबनेल से आइडिया लगा लिया होगा कि वीडियो का टॉपिक किस चीज़ पे है, वीडियो किस टॉपिक पर है। सो बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप अपनी लेबर पेन स्टोरी या अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर करिए कि कैसे क्या हुआ था, नॉर्मल हुआ था, सी सेक्शन हुआ था, जिसका मैं जवाब दे दे करके थक चुकी हूँ। लेकिन फिर से सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में फिर से रिमाइंड कराऊंगी। एंड ज़्यादा से ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन ये था कि आप अपनी लेबर पेन स्टोरी शेयर करो कि कब आपको लेबर पेन स्टार्ट हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, सारी चीज़ें आप शेयर करो। सो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कब मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ था? सो मेरा 38 वीक कंप्लीट हो चुका था एंड 39 वीक स्टार्ट हुए एक दिन हुआ था। मतलब 38 ही वीक आप समझो, एक दिन हुआ था, 39 वीक स्टार्ट हुए। और 5 फरवरी की बात है, बात 4 फरवरी की है। 4 फरवरी को मैंने सबको, मतलब नॉर्मल थी मैं बिल्कुल, और सबको मैंने खाना वाना बनाया, खिलाया, मैंने खुद भी खाया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई पेन नहीं था, ना कमर में दर्द था, ना पैरों में दर्द था, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। 4 फरवरी की बात है। और फिर उसके बाद से सब लोग खाना पीना खा के सोने गए एंड मुझे डेली थोड़ा सा ना सोते टाइम पैरों में ज़्यादा दर्द होता था, पैरों में बहुत ही ज़्यादा मेरे दर्द रहता था। सो 12 रात के 12 12 बज चुके थे एंड मेरा नॉर्मल था कि मैं डेली 12 1 बजे तक जगती जगती थी, क्योंकि एक तो पेट की वजह से सो नहीं पाते थे एंड दूसरा मेरे पैरों की दर्द की वजह से मैं नहीं सो पाती थी। सो ये सारी चीज़ें रहती थी। तो उस दिन भी मेरे पैरों में दर्द हुआ जब हम लोग खा पी करके लेटे। मेरे हस्बैंड जी सो चुके थे, थोड़ी देर मैंने फ़ोन वोन चलाया, अचानक से मतलब 12 बज चुके थे, यानी कि 5 फरवरी स्टार्ट हो चुका था। तो मेरे कमर में थोड़ा सा दर्द स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा नॉर्मल है, क्योंकि एक दो बारी ऐसे पहले भी मुझे कमर में दर्द स्टार्ट हुआ था और फिर नॉर्मल हो गया था, आराम मिल गया था। सो मुझे लगा नॉर्मल है। सो मैं थोड़ी देर लेटी रही, लेटी रही, लेटी रही, फिर अचानक से बहुत तेज़ दर्द हुआ कमर में एंड उसके बाद से फिर मैं थोड़ा सा टहली। जब मैं टहलना शुरू की उसके 5 से 10 मिनट के बाद से मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा पेन स्टार्ट होने लगा कमर में, पैरों में, बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगा मुझे। रुक रुक के 5 5 मिनट पे, 10 10 मिनट पे ऐसे पेन हो रहा था। अचानक से ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ चुभो रहा है कमर में और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर उसके बाद से मुझे फिर भी लगा कि नहीं, ये वो वाला दर्द नहीं है। मैं टहलती रही टहलती रही, रोना भी आ रहा था और हस्बैंड जी मेरे सो रहे थे तो मैंने उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया कि पता नहीं एमरजेंसी वाली चीज़ें हैं या नहीं, और वो भी डिस्टर्ब हो जाएं, क्योंकि वो मेरे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अगर मैं कुछ बता देती हूँ। प्रेगनेंसी के अलावा भी अगर मैं कुछ बोलूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस वजह से मैंने उनको नहीं उठाया। फिर टहलते 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 रही, 12:30 हो गए, उनकी अचानक से नींद उठ खुली। फिर उन्होंने मेरे को रोते हुए देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या है क्या? फिर मम्मी को उठाया 12:30, और उस दिन इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तब जा कर के फिर मम्मी को उठाया गया, मम्मी आई, फिर लगा कि नहीं अब जाना है और टाइम आ चुका है, क्योंकि मतलब बहुत भयंकर वाला पेन हो रहा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला पेन हो रहा था। रुक रुक के पैरों का दर्द, मतलब इवन ये कंडीशन हो गई थी मेरी, मुझसे खड़ा भी ना हुआ जाओ। और जब जब भी आपको, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपको लेबर पेन स्टार्ट हो, लेबर पेन हो या आपको लगे कि हाँ ये
लेबर पेन जैसा ही है, तो आप उस टाइम पे कोई ना कोई एक्टिविटी करो, चाहे टहलो ही ज़्यादातर, क्योंकि जब आप टहलोगे ना तो वो लेबर पेन और ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन आप रेस्ट करोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन दूसरी तरफ चली जाती है, सी सेक्शन और सारी चीज़ें, तो आप उस टाइम पे कोई ना कोई एक्टिविटी करो। तो मुझे भी बताया गया था, तो मैं टहल रही थी उस टाइम पे, क्योंकि क्या होता है एक दो बार हमें पहले से भी जो दर्द स्टार्ट होता है फिर वो नॉर्मल हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा टहलना चाहिए। तो ये चीज़ आप ज़रूर करना, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ें हैं जो मेरा वीडियो देख रही हैं, वो लोग ये चीज़ ज़रूर करें। उसके बाद से हमारा बैग तो पहले से ही पैक था, सब कुछ था, फिर भी बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, और मुझे ये ज़्यादा से ज़्यादा ये डर लग रहा था कि रात में 1:30-2 बजे और हाईवे पे गाड़ी चलाना, 1:30 बज गया, 1:30 बजे हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकले थे, वेट करते करते 1:30 बजे, वेट करते करते क्या, सारी चीज़ें रखते, पेपर वगैरह सब कुछ रखते रखते 1:30 बज गया था, 1 बज गया था। और मुझे सबसे ज़्यादा डर ये लग रहा था कि एक तो मैं रो रही थी पेन की वजह से, दूसरी चीज़ मेरे पति देव जी को ड्राइव करना था, वो इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं ना चीज़ों को लेकर, हाइपर मतलब कि टेंशन में आ जाते हैं, तो मुझे ये ज़्यादा डर लग रहा था कि हाईवे पे गाड़ी चलानी है, और अब मेरे पैसा रोता देख के वो और तेज़ गाड़ी चलाएंगे और सारी चीज़ें, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था। उसके बाद से फिर घर पे ही पेन वगैरह तो मेरे चल ही रहा था, फिर घर पे ही मेरा जो वाटर बैग था वो भी लीक होना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद से फिर मुझे और ज़्यादा टेंशन हो गई कि दूर जाना है और हाईवे है सारी चीज़ें। वाटर बैग जब क्रैक हुआ उसके बाद से थोड़ा सा कंडीशन दूसरी हो जाती है, और फिर उसके बाद से हम लोग निकले हॉस्पिटल के लिए। आप मानोगे नहीं, मैं पीछे गाड़ी में, कार में पीछे बैठी हुई थी, मम्मी और इनको आगे बैठाया था मैंने, मतलब ये तो ड्राइव ही करते, मम्मी को मैंने आगे बैठाया था, और मतलब मुझे पेन हो रहा था ना, मैं इतना मुंह दबा के अपना, मतलब कि आवाज़ ना आए मेरी किसी को, ये मुझे रोते हुए मेरी आवाज़ ना सुने कि और ज़्यादा हाइपर हो जाए, बस पेन आ रहा था, मुंह दबा करके रो रही थी मैं, किसी को आवाज़ नहीं सुनाई उस कंडीशन में भी मेरी, मेरे को इस चीज़ का टेंशन हो रहा था कि ऐसा ना हो कि हाइपर में और टेंशन होने में गाड़ी ज़्यादा तेज़ चलाए, वो भी कोई दिक्कत हो, और एक तो रात का 1:30-2 बजे का टाइम, और उस टाइम पे शहीद पथ पे, लखनऊ के लोग जानते होंगे कि शहीद पथ की कंडीशन उस टाइम पे रात में क्या होती है, ट्रकें और ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा किसी को नहीं बताई, बस चुपचाप से मुंह दबा दबा के खुद ही रो ली। सो मतलब बहुत ही झटपट झटपट चीज़ें हुई थी मेरे साथ, अचानक से सारी चीज़ें हुई। जैसे फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे मेरा NST स्कैन हुआ और डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया, तो लेबर पेन ही था, एंड लेबर पेन नहीं भी होता एक बार को मैं अगर कह दूँ, खैर था तो लेबर ही पेन, और फिर भी वाटर बैग मेरा लीक हो रहा था, तो वहाँ उस कंडीशन में तो बेबी डिलीवर होता ही होता, चाहे सी सेक्शन करके चाहे नॉर्मल करके। और उसके बाद से फिर मेरा NST स्कैन हुआ, बेबी के हार्ट बीट की जांचें हुई, और उसके बाद से मेरा मेरा चेकअप हुआ तो सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद से फिर मुझे इंजेक्शन दिया गया पेन और बढ़ाने का, पहले से इतना ज़्यादा मेरे को पेन हो रहा था, और फिर मुझे इंजेक्शन दिया गया, और भाई साहब उसके बाद से जो मतलब वाकई में जो लोग बोलते हैं ना कि ये एक नई जिंदगी होती है एक औरत के लिए, नई लाइफ मिलना होता है नॉर्मल डिलीवरी के बाद से, सी सेक्शन वाला तो बहुत ही नॉर्मली हो जाता है, वो सुन्न कर देते हैं और बेबी डिलीवर हो जाता है, ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए भाई ये दूसरी जिंदगी होती है। ये उस दिन मुझे समझ में आया जब उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, मम्मी मेरे साथ थी और हस्बैंड जी मेरे बाहर थे, और वहाँ पे डिलीवरी रूम में 4-5 लेडीज़ और थी जिनकी डिलीवरी होनी थी, नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, एंड कसम से बताऊँ वो लोग एक एक दिन से, दो दो दिन से हॉस्पिटल में थी, क्योंकि उनके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला था, किसी को कोई कंडीशन थी, किसी को कोई कंडीशन थी, लेकिन हाँ नॉर्मल होने के चांसेस उन लोगों के भी थे, और मैं इस चीज़ की गनीमत मनाती हूँ कि मेरे साथ जो चीज़ें हुई काफ़ी ज़्यादा जल्दी हुई, और मेरे को ये एक दो दिन वाला झेलना नहीं झेलना पड़ा। तो 1:30 बजे हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, 1:30 बजे के बाद से 2 बजे तक मेरा ये स्कैन्स वगैरह हुए, उसी पेन में, मतलब मैं इतना पेन में थी, और लेकिन स्कैन करना भी डॉक्टर्स के लिए भी ज़रूरी था कि सारी चीज़ें वो जाने कि बेबी ठीक है या नहीं, या बेबी की हार्ट रेट क्या है सारी चीज़ें। तो ये सब करते करते 2:30 बज गया, और उसके बाद से मुझे इंजेक्शन दिया उन लोगों ने, और इंजेक्शन देने के बाद से मुझे इतना मतलब ऐसा पेन स्टार्ट हुआ ना जैसे
कमर में कोई करंट लगा रहा हो, अचानक से स्टार्ट हो फिर आराम मिल जाए, और जब कमर में दर्द स्टार्ट हो तो लगे पूरी शरीर में जैसे करंट सा लग रहा है, एकदम झटके दे रहे हैं कोई, ऐसा वाला पेन था, बहुत ही जानलेवा पेन था। और मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मैं मतलब अभी भी मेरे को वो चीज़ें मैं सोचती हूँ तो मुझे भी अभी भी रोना आता है। मतलब वो जो मेरे बहुत ही मतलब मुश्किल टाइम था मेरे लिए, और मम्मी थी उसके बाद से, फिर मम्मी को देख के मैं और ज़्यादा रो रही थी। इवन मैं ये भी बोल रही थी कि मेरा ऑपरेशन कर दो, मुझे नॉर्मल नहीं चाहिए, मैं इतना ज़्यादा पेन में थी। थोड़ी थोड़ी देर पे रह रहे कि पेन स्टार्ट हो, और जब पेन कम हो तो ऐसा सुकून मिले कि बस नींद आ जाए ऐसा, फिर 5 मिनट बाद दर्द स्टार्ट हो, और मैं इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी, और मम्मी भी रोने लगी थी, और मैं बार बार उन सबसे, वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उनसे भी मैं ये कहती, मैं इवन ये भी कह दी थी कि मैं हाथ जोड़ रही हूँ मेरा ऑपरेशन कर दो, नॉर्मल नहीं चाहिए, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है ये पेन, मतलब ये चीज़ें बोली। बट उनका भी कहना सही था कि हम ऐसे जब नॉर्मल होने के चांसेस हैं तो हम ऑपरेशन किस बेस पर करें। और मेरा शुरू से ही प्लान था कि नॉर्मल डिलीवरी हो, आपने देखा भी होगा कि मैंने एक्सरसाइजेस वगैरह भी की, लेकिन वो जो टाइम था उस टाइम पे मुझे वो दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा था कि मैं बर्दाश्त करूं, बस मन हो रहा था कि ऑपरेशन कर दे लोग बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, और फटाफट से सारी चीज़ें हो जाए, क्योंकि वो बर्दाश्त के बाहर वाला दर्द था एक औरत के लिए, एक लेडीज़ के लिए, वो मतलब लाइफ का इतना मुश्किल समय है ना, इतना मुश्किल समय है ना कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद से मेरे पास एक फ़ोन इन लोगों ने छोड़ा हुआ था, मतलब मेरे हस्बैंड का फ़ोन मेरे पास था, और कि कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर ले। मैं सबसे बोल रही थी, वहाँ की जो नर्सें थी उनसे कह रही थी, डॉक्टर से कह रही थी मेरा ऑपरेशन कर दो, मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा। फिर उसके बाद से उन लोगों ने बोला थोड़ा टाइम और है और हो जाएगा, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो। मैं कर रही थी, 4:45 पे डॉक्टर आई फिर से मुझे चेक करने के लिए, और मैंने उनसे, मैं जो भी मेरे को बार बार चेक करने आ रहा था, मैं उनसे यही कह रही थी कि अभी कितना टाइम लगेगा, बस हो जाएगा, यही कह रहे थे बोलो। और उसके बाद से 4:45 के आसपास, क्योंकि 5:30 के आसपास मेरे को डॉक्टर चेक करने आई, और उस टाइम पे मैंने फिर उनसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा, और उन्होंने बोला मुझसे कि 4-5 घंटे लगेंगे। भाई साहब, मतलब ऐसी हालत हो गई कि मैं मरी क्यों ना जाऊँ, ये दर्द झेलने से अच्छा है कि मैं कुछ कर लूँ, कुछ खुद को ही कर लूँ और मर जाऊँ, ये नहीं बर्दाश्त होगा। फिर मैंने फट से फ़ोन मिलाया, और मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं परेशान करना चाह रही थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव हैं और टेंशन बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो मैंने मम्मी के नंबर पर फ़ोन किया, और वो नंबर भी उन्हीं के पास था, लेकिन खैर जिसने भी उठाया मैंने अपनी बात करी। फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा मुझे यहाँ से कहीं ले चलो जहाँ ऑपरेशन कर दे मेरा, मेरे को कहीं ले चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ, बोल रहे 4-5 घंटे लगेगा, और मैं बहुत रो रही थी। वो उधर से कहते बस मैं मम्मी को भेज रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं मम्मी को भेज रहा हूँ, परेशान मत हो, और हैं सब लोग यहीं पर, परेशान मत हो। वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे बाहर मतलब एक हस्बैंड वाइफ के लिए ये टाइम मतलब ऐसा होता है ना कि वाइफ अंदर झेल रही है और हस्बैंड बाहर माइंड से झेल रहा होता है कि सब ठीक होगा कि नहीं होगा, सारी चीज़ें। उसके बाद से मेरे को अचानक से 5:30 के बाद से जब वो लोग चेक किए तो उन्होंने बोला 4-5 घंटा और लगेगा। फिर मुझे 2-3 मिनट बाद वो चेक करके गई, मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तक रुक रुक के हो रहा था कि 5-7 मिनट तक रह रहा था पेन, फिर बंद हो जा रहा था 2 मिनट के लिए, फिर 5-7 मिनट तक रह रहा था, फिर बंद हो जा रहा था। लेकिन उसके बाद से जो मुझे पेन स्टार्ट हुआ वो लगातार वाला स्टार्ट हुआ, एंड 5:30 पे वो चेक करके गई थी, और 5:38 पे हमारा बेबी आया। मैं बिल्कुल भी होश में नहीं थी, बिल्कुल भी मतलब बेहोश भी नहीं थी, लेकिन हाँ उस पेन में थी मैं कि बिल्कुल भी मैं होश में नहीं थी। फिर उन्होंने हमारे बेबी को मेरे पेट पे लिटाया, और मैं बस हाथ से ऐसे पकड़ी हुई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो, मैंने बोला हाँ, फिर उन्होंने बोला नहीं देखो क्या है, मैंने बोला हाँ देख लिया। मैं उसी बेहोशी में मतलब आंखें मेरी खुल नहीं रही थी सही तरीके से। फिर
उन्होंने मेरे को ऐसे पकड़ के ऐसे होश में मतलब हिलाया थोड़ा सा, और फिर बोली देखो मुंह से बोल के बताओ कि क्या है, लड़का है लड़की है? मैंने बोला लड़का है। उसके बाद से फिर बोले ठीक है। उसके बाद से फिर बेबी को लोग ले गए बाहर, एंड उसके बाद से जो मुझे रिलैक्स मिला है ना, जो मुझे रिलैक्स मिला है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन वाकई में अच्छी है नॉर्मल डिलीवरी। मैं ये नहीं कहूँगी कि बेकार है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहता है। जैसे आप अपने बेबी को खुद फीड करा सकते हो तुरंत ही, उसके बाद से आप चल फिर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहती है आपको, ये सारी चीज़ें रहती हैं। आप अपने बेबी को खुद खिला सकते हो, खुद गोद में ले सकते हो, लेकिन ऑपरेशन में 24 घंटा आपको ना बेबी को आप फीड करा सकते हो, ना आप हिल डुल सकते हो, ना आप अपने ही बच्चे को गोद में ले सकते हो। तो ये सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, बेकार चीज़ ऑपरेशन में, वो यही है। क्योंकि नॉर्मल उस टाइम तो खैर मैं जो भी बोली कि ऑपरेशन कर दो ये है वो, लेकिन नॉर्मल होने के बाद से मेरे को लग रहा है आधी घंटे के बाद से मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिए हैं। मैं अपने बच्चे को खुद फीड करा पा रही थी, मैं खुद गोद में ले पा रही थी, तो ये सबसे ज़्यादा खुशी का टाइम था, खुशी थी मेरे लिए कि हाँ चलो मैं खुद ये सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। तो ये ऐसी दर्दनाक स्टोरी थी मेरी, एंड जो लोग भी हैं जो अभी जिनका बेबी होने वाला है उनसे मैं यही को बोलूँगी, चाहे उनका कोई भी टाइम चल रहा हो, 7 मंथ चल रहा हो, 8 मंथ चल रहा हो, 9 मंथ चल रहा हो, आप एक्सरसाइजेस करो, नॉर्मल डिलीवरी सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये आपके आगे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऑपरेशन होने के बाद से आपका शरीर भी ख़राब हो जाता है, आपके बैक में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं उससे दर्द रहता है, हमेशा के लिए रहता है। तो नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट है, भले आप उस टाइम पे कुछ भी करो ना बर्दाश्त कर पाओ बाद की बात है, लेकिन हाँ नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट है। आज मैं इतनी जल्दी रिकवर हो गई हूँ, सारी चीज़ें मैं खुद कर रही हूँ, मैं अपना काम भी खुद कर लेती हूँ, तो बेस्ट है ये। और अपने बच्चे, आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही है, अपने बेबी को मैं खुद सारी चीज़ें, सारा काम, उसका मालिश करना, उसकी सारी चीज़ें करना मैं खुद कर लेती हूँ, घर में भी सब करते हैं लेकिन मैं खुद भी कर लेती हूँ, तो सबसे बेस्ट है ये चीज़। तो ये था मेरा वो 1:12 बजे से लेके 5 बजे, 5:30-6 बजे तक, मान लो 6 बजे तक का मुश्किल सफ़र, और बहुत झेला, मतलब बहुत झेला मैंने। बट हाँ, वो बोलते हैं ना कि ये सारा जो दर्द तकलीफ़ होता है ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है अपने बच्चे को देखने के बाद से, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि जब बेबी आपका हाथ में आता है तो वो सारी जो भी चीज़ें आप झेले रहे, तो पूरे 9 महीने में या उस टाइम पे जो पेन होता है आपको, वो सब कुछ आपका ख़त्म हो जाता है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ रहती है। सो ये थी मेरी स्टोरी जिसके लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। और उसके बाद से फिर बेबी जब डिलीवर हो गया तो मुझे फिर तुरंत ये लोग चाय वगैरह पीने को दिए, चाय बिस्किट खाया मैंने। उसके बाद से फिर मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किए, मैं लेटी वेटी, अचानक से मुझे चक्कर भी आने लगे थे, तो क्योंकि कुछ खाया पिया तो था नहीं, शरीर में कुछ था नहीं, अचानक से ऐसा लगा जैसे शरीर गायब हो गया, इतना बड़ा पेट लेके रहो 9 महीने से और अचानक से पूरा पेट ही गायब हो जाए, शरीर जैसे लगता है कि हवा हो गया है। तो यही सब चीज़ें हुई मेरे साथ, एंड ये सबके साथ ही होता है ये चीज़ें। तो ये एक चीज़ मेरे साथ बेस्ट हुई कि मेरे साथ जो चीज़ें हुई बहुत जल्दी जल्दी हुई, मेरे को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, लेबर पेन के लिए भी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, सब कुछ अपने आप ही होता है। डॉक्टर इंजेक्शन के थ्रू आपको लेबर पेन देते हैं, आर्टिफिशियल लेबर पेन जिसे बोलते हैं, ये जो था ये खुद से स्टार्ट हुआ, सारी चीज़ें खुद से हुई, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट था जिसमें मेरे को ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस करिए, जो आपसे हो सके वो करिए, जो आप खा पी सकते हैं वो खाइए पीजिए, सीढ़ी चढ़िए, एंड एक्सरसाइज से रिलेटेड मेरी पूरी वीडियो मेरे चैनल पर है कि आप क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हो, आप वो एक्सरसाइजेस करिए, और आपका भी बेबी हष्ट पुष्ट इस दुनिया में आए, आप भी ठीक रहो, बेबी भी ठीक रहे, और बस मेरे मुझे भी एंड मेरे बेबी को भी ब्लेसिंग्स अपनी देते रहिएगा। एंड इसी के साथ मेरा ये वीडियो होता है, ये ब्लॉग होते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू।